तो आज एक पीएचपी के माइस्कल के ना एक छोटे से प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। वो बस प्रोजेक्ट इसलिए होगा ताकि हम अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। तो चलिए सर लोग देखिए, यहाँ पे हम प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं। प्रोजेक्ट का नाम जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है वी कार्ड। वी कार्ड ठीक है, वी कार्ड मतलब विजिटिंग कार्ड और कुछ नहीं है। ठीक है, तो हम वी कार्ड विजिटिंग कार्ड के इंस्पिरेशन में बना रहे हैं। हम लोग इसको सबसे पहले एक फोल्डर यानी वी एस कोड में ले लेते हैं, और वी एस कोड में आने के बाद हम यहाँ पर इस जगह पर एक इंडेक्स पेज बना लेंगे जो कि नॉर्मल मेरा बेसिक सा पेज होगा। इसमें हम दो तीन चीज़ें इंस्टॉल कर लेंगे, जैसे कि आप चाहो तो टेलविन इंस्टॉल कर सकते हो, टेलविन सी एस एस में अपना काम जैसे करना चाहो कर सकते हो, जैसे एन पी एम आई टेलविन। ठीक है, सॉरी गलत इंस्टॉलेशन है, इसको कैंसिल करते हैं, टेलविन सी एस एस अब से इंस्टॉलेशन है। तो एक फाइल बना लेंगे जिसका नाम रहेगा हम लोग इनपुट डॉट सी एस एस, जो भी आप बनाना चाहो, और उसमें एट द रेट टेलविन जैसे करके आप टेलविन सी एस एस, और इसमें आप अपना इंपोर्टिंग वगैरह कर सकते हो। तो हम इसमें लिख देते हैं एट द रेट टेलविन। मैं आपको कौन सा मेथड से इंस्टॉलेशन बता रहा हूँ वो देख लीजिए, मैं टेलविन की वेबसाइट से समझा देता हूँ। टेलविन के वेबसाइट पर आने के बाद जब आप गेटिंग स्टार्ट पर क्लिक करते हो तो आपको कई मेथड से इंस्टॉलेशन मिलता है, जैसे पोस्ट सी एस एस का मेथड या सी एल आई का मेथड। तो अब हम जो यूज़ करें वो सी एल आई का मेथड। आपको ये लाइन लिखने के बाद ये लाइन लिखना है, देखिए एन पी एम इंस्टॉल टेलविन आपने कर लिया है। दूसरा काम आपको जो करना है वो ये है कि एन पी एक्स टेलविन सी एस एस आई एन आई टी, टेलविन के अंदर हम लोग सब डिस्कशन कर चुके हैं। आई एन आई टी के बाद आपको एक मिलेगा टेलविन कॉन्फिगेशन का पेज, यहाँ पे आपको बस आना है और स्टार लगा देना है, इसका मतलब सभी पेज में टेलविन लागू हो जाए, तो बहुत आसान है। और उसके बाद जो आप एट द रेट टेलविन की बात कर रहे थे हम आपको, वो आपको कहाँ लगाना, देखिए देखिए आप अपना फाइल का नाम इनपुट सी एस एस रखें और ये तीनों लाइन को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अपने फाइल के अंदर में। ठीक है, ईजी है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इनपुट और आउटपुट का एक कमांड चलाना होता है, नॉर्मली एन पी एक्स। ठीक है, अगर आप यहाँ पे आप सी डी एन में काम करना चाहते हो कर सकते हो, बट एन पी एक्स। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है टेलविन सी एस एस डैश आई, यानी इनपुट फाइल का नाम क्या है, इनपुट डॉट सी एस एस डैट ओ, और इसमें फाइल का नाम क्या होगा वो बता दीजिए, आउटपुट डॉट सी एस एस सपोज डैश 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 वॉच लगा दीजिएगा, तो ये ऑल टाइम चलता रहेगा और आपको बार बार चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, तो आउटपुट डॉट सी एस एस नाम का एक फाइल बन गया जिसमें कुछ सी एस एस पहले से आ गया। आपको बस सिंपली इसको इंटीग्रेट कर लेना अपने एच टी एम एल पेज में जैसे बाकी सी एस एस करते हो वैसे ही, यानी लिंक एस आर सी लगाना है और काम हो गया। इसमें आउटपुट डॉट सी एस एस, और आपको यहाँ पे टाइटल में नाम चेंज कर देना जो क्या है विजिटिंग कार्ड, इजी। और हम इस कार्ड को डिजाइन करेंगे दो अलग पेजों में, इसका कॉलिंग हम लोग फ्रंट पेज पे करेंगे बट इसका जो हम लोग वो बनाएंगे इंसर्ट का पेज बनाएंगे वो अलग पेज बनाएंगे। ठीक है, तो हम लोग इसके लिए इंसर्ट डॉट पी एच पी बना लेते हैं। एक चीज़ मैं देख लेता हूँ, कभी कभार मेरा रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब ना हो जाए। चलिए ठीक है, तो ये बेसिकली इंसर्ट का पेज है, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं इंसर्ट वी कार्ड। ठीक है, ऐसे टाइटल दे देते हैं और सी एस एस यहाँ पर भी लिंक कर लेते हैं जो कि नॉर्मल वही तरीके से करना है। तो दो पेज है मेरे पास, इंसर्ट करने का पेज अलग है, कॉलिंग के लिए मैंने पेज अलग बनाया है। तो दोनों जगह पे आपको कनेक्शन इस्टेब्लिश करना होगा, इसलिए आपको एक फाइल बना लेना चाहिए जिसका नाम मान लो कनेक्ट डॉट डी पी एच पी है। अब ये कनेक्शन के लिए सिर्फ आप इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि आप लिखते हो डॉलर कनेक्ट, और कनेक्शन का जो कोड आपने सीखा है वो डाल दीजिए, MySQL कनेक्ट वगैरह। MySQL कनेक्ट में चार चीज़ें होती है, नहीं भूलना है, पहला होता है होस्ट नेम, दूसरा होता है यूजर नेम जो कि होगा रूट, पासवर्ड ब्लैंक होता है, एंड देन डेटाबेस। ऑफ कोर्स हम इसका नाम वी कार्ड रखेंगे इसलिए हम और डाई और डेटाबेस नॉट कनेक्टेड विद द डेटाबेस, और ऐसे मैसेज देकर आप इसको खत्म कर सकते हो इजी। तो आपका यहाँ पी एच पी यहाँ पे ऐसे समाप्त हो जाएगा। ये जो लाइन ऑफ कोड है ये आपको दोनों पेज में लिखना पड़ता, आप यहाँ से एक पेज में लिखकर दोनों पेज में इंक्लूड कर सकते हो इजीली। इंडेक्स में जाओगे आप, पहला लाइन में जाओगे यहाँ पर इंक्लूड फंक्शन होता है पी एच पी में बना हुआ, इंक्लूड वंस ऐसा करके इंक्लूड अंडर स्कोर वंस, एक ही बार इंक्लूड करना है इसलिए वंस। ठीक है, कनेक्ट डॉट पी एच पी जो भी पेज का नाम है वो यहाँ पे आ जाएगा, जिसका मतलब ये कि इसके अंदर रखा हुआ कोड यहाँ पे आ जाएगा। और सेम ऐसे ही आपको इंसर्ट में भी कर लेना, कॉपी पेस्ट में कर लिया। अब क्या हुआ कि जब आप कनेक्ट डॉट पी एच पी में चेंज करोगे तो ऑटोमेटिक दोनों पेज में भी चेंज हो जाएगा, तो आपका इनहेरिटेंस वाला कंसेप्ट काम कर रहा है। इनहेरिटेंस में क्या हुआ कि ये वाला पेरेंट हो गया और ये दोनों चाइल्ड हो गया, तो फाइल इनहेरिट हो गया।
इंक्लूड करके, ठीक है। अब इसके बाद आप अपना काम अपना कर सकते हो, बट उससे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि डेटाबेस अपना बना लो पीएचपी माय एडमिन। डेटाबेस बनाने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस जाना है और कमांड डाल देना, ठीक है। हालांकि आप उसको कमांड प्रॉम्प्ट से भी कर सकते हो, अगर आप मुझसे सीखना चाहते हो कमांड के तरीके से तो मैं आपको बता सकता हूँ, कोई इशू नहीं। ये बिना कमांड के तो न्यू पे क्लिक करना है और वी कोड वी कार्ड जो कि इस प्रोजेक्ट के डेटाबेस का नाम मैंने सोचा है वो डाल दिया। इसके अंदर में इसका नाम फोन बुक रख देंगे, ठीक है ना, या कार्ड रख देंगे, जो भी आप रखना चाहो रख सकते हो। कॉलम क्या डिसाइड करना है, आईडी रहेगा, नेम रहेगा, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, सिटी, और इसी तरीके से 5-6 कॉलम रहेगा तो हम डाल देते 6, ठीक है। अभी 6 कॉलम में क्या क्या डेटा रहेगा वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आईडी रहेगा ही रहेगा, बिना प्राइमरी की के कोई टेबल नहीं बनाना, ठीक है। प्राइमरी की को एनेबल करने के लिए AI पे क्लिक कर देना, इसके बाद ये प्राइमरी इंडेक्स एनेबल हो जाएगा। और इसके बाद आपको नेम लिख देना है, जो कि फुल नेम में बदल दो इसको, फुल नेम। और इसके बाद क्या चाहिए, कॉन्टैक्ट चाहिए, दो कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट 1, कॉन्टैक्ट 2। इसके बाद आपको क्या चाहिए, ईमेल आईडी, और उसके बाद क्या चाहिए, एड्रेस। काफ़ी होगा ये, अब आप आराम से इसमें एड्रेस का स्पेलिंग चेक कर लो, गलती नहीं होना चाहिए। और ये फुल नेम आपका वर्चुअल हो जाएगा, वेरियस कैरेक्टर। जब वेरियस कैरेक्टर डालते हैं तो आपको लेंथ डालना रिक्वायर्ड हो जाता है। इसी तरीके से आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी वेरियस कैरेक्टर होगा, ये मत सोचिएगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि +91 भी लोग लिख देते हैं और ये चीज़ एरर दे सकता है। और ईमेल आईडी ये भी वर्चुअल, 200 दे दो लंबा से लंबा, और ये इसको 500 दे दो, यानी इसका लेंथ ज़्यादा दे दो, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना, बस सेव पे क्लिक कर देना। कॉलम याद रखिएगा, दिमाग में कॉलम याद रखिएगा, तो जब हम लिख रहे होंगे कमांड वगैरह तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, तो आप एज इट इज आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद का सुनो, इसके बाद आपको इंसर्ट का पेज का डिजाइन करना है, तो आप अपना इंसर्ट का पेज का डिजाइन करने से पहले आप अपना हेडर पट्टी के ऊपर में डिजाइन कर लीजिए। इसके लिए भी आप अलग से फाइल बना सकते हैं ताकि दोनों पेज में इंक्लूड हो जाए। इसका नाम आप header.php कर लीजिए, और इसके अंदर बस उतना ही कोड लिखिए जितना हेडर के लिए बनाना है। तो अगर आप जैसे मान लीजिए flix-1 justify between items center easy, और इसके अंदर में आपने h1 या h2 का इस्तेमाल किया है लोगों के लिए, तो उसको बंद कर दीजिए और यहाँ लिख दीजिए वी कार्ड, जो कि आपका लोगो होगा, ठीक है। क्लास नेम लगा, क्लास लगा कर थोड़ा सा आप इसमें text-excel ऐसे लिख सकते हैं, जिससे टेक्स्ट का साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। इसके बाद आप फॉर्म के बारे में सोच सकते हैं कि जिसमें आप सर्च का पट्टी बना लें, ऐसा सोच सकते हैं आप, ऐसा फॉर्म बन सकता है। और आप इसमें क्लास नेम देकर इसको थोड़ा बगल बगल मिलाने के लिए फ्लिक्स लगा सकते हैं, ताकि वो आपस में एक दूसरे से थोड़ा अलग अलग ना दिखे। थोड़ा गैप अगर आप चाहते हैं तो gap-x-2 लिख दीजिए, ताकि गैप जो एक्स में आए वाई में नहीं आए, इस तरीके से काम हो सकता है। और flix-1 यानी इसको ज़्यादा से ज़्यादा जगह मिले। इसके बाद जो तीसरा सेक्शन है उसको डिव में बना लेते हैं, क्लास नेम और फ्लिक्स और इसमें gap-x-2 इस तरीके से, और इसके अंदर कुछ लिंक्स बना लेंगे जो कि 8 टैग से बन जाएगा, ठीक है। text-slaty-800 होवर करने पर text-slaty-900, और यहाँ पे पेडिंग की ज़रूरत नहीं है, और बाद में देखेंगे, ठीक है। होम एक लिंक होगा, इंसर्ट एक लिंक होगा, इसके अलावा जितना लिंक होगा हम बनाते जाएंगे। अब ये आपका हेडर डिज़ाइन लगभग तैयार कर लिए हैं, इंसर्ट के पेज पे भी रहेगा और यहाँ पे भी रहेगा, तो आपको इंडेक्स में क्या करना है, अपने बॉडी के बाद रहेगा ना, तो यहाँ पे लाना है और इंक्लूड वंस फंक्शन चला देना है, ये वाला फंक्शन। और ये बहुत आसान है, इसके अंदर में फाइल का नाम डाल देना है, क्या नाम है फाइल का, header.php। सेम लाइन आपको इंसर्ट पेज में भी डाल देना है, जिसके बाद इंसर्ट और इंसर्ट के पेज में भी और उस पेज में भी, दोनों जगह पे। चलिए इसका प्रोजेक्ट रन करते हैं, local/vcar फुल जगह में, देखिए यहाँ दिख रहा है, बट डिज़ाइन के लिए कलर नहीं डाला है इसलिए नहीं। अब देखो मैं जब यहाँ कलर डालूंगा तो एक्चुअली दोनों पेज में चला जाएगा, तो bg-kill देखो, ठीक है। पेडिंग मैं 10% दे देता हूँ आगे पीछे हार्ड कोड पे, और py मैं दे देता हूँ 5, आप अपने हिसाब से दे सकते हो। थोड़ी देर वेट करो और रिफ्रेश करो, देखो सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप अपना ये जो flix-1 दिया गया है ना, ये flix-1 दिया गया, इसको आप छोड़ सकते हो, इससे क्या हो रहा है कि बीच में नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये अभी कार्ड जो दिख रहा है आप उसका टेक्स्ट कलर व्हाइट कर देंगे, हालांकि मुझे लगता है टेक्स्ट व्हाइट यहाँ करने से सब जगह हो जाएगा, काम हो जाएगा।
रिफ्रेश, देखो यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, और यहाँ पे तो मैंने डार्क कलर जानबूझ के दे दिया गलती से। तो मैं यहाँ पर इसको टेक्स्ट डैश 200 और उस पर करने से वाइट कर लूँगा। जब मैं होवर करूँ तो वाइट हो जाए। इट्स ऑल अबाउट केल्विन, राइट। तो हम लोग ना यहाँ पर रिफ्रेश करके देखेंगे तो टेक्स्ट कलर भी आ जाए ठीक ठाक। अब इसके अलावा हमको थोड़ा सा यहाँ पे बीजी कलर दे देना है, बीजी डैश वाइट। आई एम ट्राइंग टू सबमिटिंग लाइक दिस कि ये पूरा एरिया एक जैसा हो जाए, ठीक है, वाइट। और इसमें लिख देंगे कि क्लास लगा के लिख देंगे बीजी डैश ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मीन्स कि हमको पीछे का जो कलर है वही चाहिए बैकग्राउंड के तौर पर। तो देखो वाइट, ठीक है। अच्छा, टेक्स्ट कलर है वो हम कर सकते हैं स्लेटी 600। देखो धीरे धीरे हम इसमें चेंज कला रहे हैं, आप देखते रहिएगा क्या हो रहा है चेंजेस। पी एक्स, अच्छा इसमें पेंटिंग देने की जरूरत नहीं है, हम इसमें दे देंगे क्लास नेम पी एक्स 3, पी वाई 4, और इसमें भी ऐसा कुछ कर सकते हैं पी एक्स 3, पी वाई 4। तो थोड़ा बट ज़्यादा हो गया ना, पी वाई 4 की जगह पी वाई 2। अब ठीक है, स्टैंडर्ड। और सर्च का जो डब्बा है यहाँ पे आइकन वगैरह भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए SVG कोड लाना पड़ेगा आपको, और जो सर्च का डब्बा है उसमें आउटलाइन वगैरह दिख रहा है वो सब हटा देते हैं। तो लिखेंगे आउटलाइन 0, बॉर्डर नहीं चाहिए तो लिखेंगे बॉर्डर 0, ठीक है ना। और उसके बाद फोकस होने पर भी आउटलाइन नहीं रहेगा। फोकस मतलब जब हम उसे क्लिक करते हैं तो वो सब हट जाएगा तो अच्छा लगेगा। देखो टाइपेबल बन गया है, बस हम टाइप कर रहे हैं तो वो डेटा नहीं दिख रहा, तो हम कहेंगे प्लेस होल्डर का जो टेक्स्ट कलर है वो ब्लैक होगा। ये सब CSS कर सकता है, तो जो टाइप करेंगे वो ब्लैक रहेगा, टेक्स्ट डैश ब्लैक, प्लेस होल्डर का भी और उसका उसका ब्लैक हो चुका है, और जो टाइप करेंगे वो भी ब्लैक चाहिए। रिफ्रेश करना होगा, देखो हो गया ब्लैक। तो ये बेसिकली मेरा सर्च का पट्टी है जिसको थोड़ा सा राउंडेड दे देने के बाद काम हो जाएगा। राउंडेड डैश एक्स MD, थोड़ा कर्व हो जाए, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे काम करेंगे, जैसे कि देखो राउंडेड ये हो गया लेकिन इधर नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसका भी राउंडेड चलेगा। राउंडेड डैश क्या कहेंगे इसको, राइट लेफ्ट साइड डैश MD, तो लेफ्ट साइड कहेंगे तो इस कोने में भी ये राउंड हो जाएगा। थोड़ा देर रिफ्रेश, देखो हो गया। तो ये बेसिकली एक राउंडेड शेप बन गया। आप इसका साइज वगैरह बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, साइज बनाने के लिए आपको यहाँ पे विथ डिस्कस करना पड़ेगा। अच्छा W डैश हार्ड कोड में अगर आप डिस्कस करेंगे तो 400 पिक्सल, अच्छा बड़ी ब्रैकेट लगा के उससे लेंथ बढ़ जाएगा इसका। तो मैंने हेडर में काफ़ी टाइम दे दिया, देखो बढ़ गया। और बढ़ाना चाहते हैं तो 400 की जगह ये हार्ड कोड है, ये हार्ड कोड है, मतलब आप हार्ड कोड पे लिख सकते हैं आपको जितना बड़ा चाहिए, ठीक है। मैंने अपने हिसाब से सोचा और अपने हिसाब से बना लिया। इसका थोड़ा सा बोल्ड बोल्ड चाहिए तो लिखेंगे फॉन्ट डैश सेमी बोल्ड, ये थोड़ा बोल्ड और हो जाना चाहिए। इसके अलावा जो नीचे वाला एरिया है उस पर काम करेंगे। तो ये नॉर्मली मेरा दोनों पेज पे दिख रहा होगा, मैं आपको दिखाऊँ, देखिएगा। इस पर लिंक लगा देता हूँ ताकि इसको क्लिक करने से इंसर्ट पेज पे जा सकूँ। तो इंसर्ट पेज पे जाने के लिए हेडर पे जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ लिखेंगे कि होम पेज जब हम क्लिक करें तो हम index.php में पहुँच जाए, और जब हम ना इंसर्ट पे क्लिक करें तो insert.php में पहुँच जाए। तो दोनों पेज एक्सेस कर सकते हैं। देखो देखो इंसर्ट का पेज यही है, ऊपर देख सकते हो तुम यहाँ पे index.php, और देखो ये इंसर्ट दोनों में आ रहा है हेडर, इसका मतलब कन्फर्म है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने का मतलब ये है कि हम इंडेक्स पेज का डिज़ाइन बाद में करेंगे, पहले इंसर्ट कर लेते हैं। तो इंसर्ट के पेज में आएंगे और यहाँ पे एक कंटेनर बना लेंगे, ठीक है। और यहाँ देखेंगे फ्लिक्स और जस्टिफाई सेंटर, एच डैश फुल काम नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा बताते हैं उसके पीछे वजह। आपको यहाँ पे थोड़ा सा CSS लिखना पड़ेगा, बताते क्या स्क्रिप्ट नहीं सॉरी CSS की स्टाइल। और यहाँ पे लिखेंगे HTML का टैग, बॉडी का टैग और कॉलन रूट, इस सब का ना हाइट 100% कर दो, इसका मतलब पूरा स्क्रीन कर दो, तब ये एसडेस फुल काम करेगा, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पे इसके अंदर एक डिप बनाएंगे, क्लास नेम W-1/3, मतलब 33% विथ हो गया, 33% विथ ना बना रहे हैं, और इसके अंदर क्लास लगा के BG-Slaty 50% 50 जगह 200 100। तो एक डिवीजन बनाया गया ताकि फॉर्म बना सके। फॉर्म बनाया, क्लास नेम
फ्लिक्स फ्लिक्स डज कॉल, ठीक है, एक दूसरे के नीचे आएगा इसलिए कॉल लगा दिया, और ये है फॉर्म की जगह, ठीक है। अब बच गया मेरा इसके अंदर का डिजाइन करना। तो नॉर्मली हम लोग नेम, फोन नंबर, ईमेल, एड्रेस इस तरह से डिजाइन कर सकते हो। देखो फुल नेम और फोन नंबर की जगह लिखेंगे कॉन्टैक्ट, ये चेंज कर दिया, ईमेल ठीक है, एड्रेस ठीक है ना, और क्या था कॉन्टैक्ट दो था, तो इसलिए हम इसको कॉन्टैक्ट वन और कॉन्टैक्ट टू के नाम से बुलाएंगे। इसको बोलेंगे प्राइमरी कॉन्टैक्ट, इसको कहेंगे सेकेंडरी कॉन्टैक्ट, दो कॉन्टैक्ट नंबर, इसका नाम जो होगा कॉन्टैक्ट वन और कॉन्टैक्ट टू, ताकि हम अपने डेटाबेस के साथ इसको मैच कर सकें। ईमेल आईडी और पासवर्ड, और इसके अलावा हम यहाँ पे सबमिट बटन वगैरह ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम सबमिट बटन ट्राई करते हैं, इनपुट टाइप सबमिट, क्लास नेम बीजी डैस टिल कलर 600, ओवर करने पर बीजी टिल कलर 800 का हो जाएगा, टेक्स्ट वाइट कलर का होगा, PX3 होगा, PY2 होगा, राउंडेड डैश MD होगा, हो गया। तो बटन का नाम के ऊपर क्या लिखा हुआ रहेगा वो बताते हैं, क्रिएट रिकॉर्ड, ठीक है, और पूरा फुल स्क्रीन का चाहिए तो W डैश फुल, जो डब्बा उसके अनुसार। ये इंसर्ट के पेज का डिज़ाइन हुआ है, तो हम रिफ्रेश करेंगे और देखेंगे डिज़ाइन। देखो ये इसको थोड़ा सा और अच्छा लुक देना है और बीच में सच में लाना है, ये बीच में नहीं आया, तो बीच में नहीं आया तो क्या हुआ, कंटेनर को आप सबसे पहले W डैश फुल में बदल दो। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि कंटेनर छोटा सा बीच होता है, कम होता है। अब इसके अंदर जो बीच में कंटेंट है ये इसमें लिखेंगे आइटम सेंटर, ताकि ये स्क्रीन के बीच में आ जाए, ठीक है। S-dash फुल हटाओ तो ठीक है, क्या होता है S-dash स्क्रीन, अब क्या होता है H-dash फुली, ठीक है, रहने दो, बाकी चीज संभाल लेंगे पेडिंग से, ठीक है। और ये जो टाइप करने वाली जगह तुम देख रहे हो, ये बॉर्डर वॉर्डर रहे तो और मजा आ जाएगा लिखने में, ठीक है। तो हम लोग इसके ऊपर CSS में W डैश फुल के अलावा कुछ नहीं लिखा है, तो हम लोग बस इसको मल्टी कर्सर का इस्तेमाल करेंगे ताकि इस सब में एक साथ लिख सके। बॉर्डर होगा, देखो बॉर्डर आ गया, आ गया ना, पेडिंग होगा, हो गया। देखो बॉर्डर किस कलर का होगा वो भी डिस्कस कर सकते हो, जैसे टिल कलर का, हम थोड़ा लाइट टिल कलर पे जाते हैं 100, ठीक है। ये जो बीजी शेड डाला हुआ है यहाँ पे, इसमें थोड़ा पेडिंग लगाते हैं सभी साइड से 5, तो जो चिपक चिपक आ रहा है ना इसमें वो नहीं आएगा। क्या गड़बड़ तो नहीं कर दी कुछ, नहीं बस वो रीबिल्ड नहीं होता है तो उतना देर के लिए रिफ्रेश नहीं होता है, खैर तो ये रीबिल्ड होगा तो सही जगह पे आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा सब ठीक है, देखो पेडिंग आ गया। तो इंसर्ट का ये बढ़िया पेज है, और हम लोग इसमें एक छोटा सा काम और करेंगे, वो है ये कि हम लोग यहाँ पे एक फ्लिक्स डिव बनाएंगे, क्लास नेम फ्लिक्स, और इसके बाद इसके अंदर में H1 या H2 का इस्तेमाल कर सकते हो, क्लास नेम टेक्स्ट डैश 3XL, और यहाँ पे मैसेज इंसर्ट वी कार्ड हेयर, एक मैसेज होना बहुत जरूरी है, यहाँ पे मैसेज आ जाएगा, ठीक है। और ये थोड़ा सा साइज में तुम जो भी सोचो, मीडियम फॉन्ट डैश मीडियम, मतलब ज़्यादा बोल्ड नहीं, ठीक है। और ये बीच में HR का टैग या बॉर्डर लाइन कर सकते हैं, तो HR नॉर्मली सही रहेगा हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए, तो एक लाइन खिंच जाता है HR से, अगर नहीं खींचेगा तो आपको यहाँ पे क्लास से आके बॉर्डर दे देना होगा, बॉर्डर डैश बी बॉर्डर बॉर्डर, इस तरह से आप सोच सकते हैं, पतला सा लाइन आ जाएगा, और मार्जिन टॉप मार्जिन बॉटम 5, ठीक है ठीक है। देखो जो चीज़ें अभी हम किए हैं वो तुरंत नहीं दिखेंगे, बट हाँ दिखेंगे। अब देखो इसमें गैप चाहिए थोड़ा सा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्पेस, हालांकि बिना स्पेस के गैप से भी हो जाएगा, गैप Y3, तो ये जो आपस में चिपक चिपक के आ रहा है ना, थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट होना चाहिए इसमें, हो जाएगा, उसमें कोई मेहनत नहीं है। बाकी का काम करते हैं, अब हम लोग इंसर्ट का कोड लिखेंगे और इंसर्ट का काम करेंगे। देखो इंसर्ट का कोड और इंसर्ट का काम बढ़िया सर। इफ ए सेट
बताओ यहाँ पे क्या लिखना है, पोस्ट मेथड और बटन का नाम। बटन का नाम दिखा है कहीं पे, दिख रहा है कहीं पे लिखा हुआ? नहीं, यानी बटन का नाम जरूरी है, तो हम इसका नाम रखेंगे इंसर्ट। बटन का नाम ये आई कैपिटल नहीं करेंगे, इंसर्ट, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, हम लोग पढ़ा है, हमेशा पढ़ते हैं कि जो लैंग्वेज केस सेंसिटिव होता है वो लैंग्वेज में कैपिटल और स्मॉल सेपरेट माना जाता है। एज इट इज यहाँ पे इंसर्ट अगर आई स्मॉल है तो ये की फिर स्मॉल ही ट्रीट होगा, अगर ये कैपिटल लिखी हो तो यहाँ पे भी तुमको कैपिटल ही ट्रीट करना होगा, ऐसे कोई स्ट्राइक नहीं कर सकता। ठीक है, नॉर्मली हम लोग यहाँ पे अब एक एक करके डेटा को बुला लेते हैं। फुल नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे नाम क्या था, नेम, तो नेम जो फॉर्म में नाम है वही नाम से चलना है। दूसरा डेटा क्या है, कॉन्टेक्ट वन, तीसरा डेटा क्या है, कॉन्टेक्ट टू, और चौथा डेटा क्या है, ईमेल, पांचवा डेटा क्या है, एड्रेस, और कुछ तो नहीं है। चलिए अब इंसर्ट की क्वेरी बनाते हैं। तो एसक्यूएल नाम का फाइल है इंसर्ट इनटू वी कार्ड, जो कि आपको कार्ड में बदलना है, कार्ड्स नाम है टेबल का अपना। फुल नेम जो कि डेटाबेस कॉलम का नाम है, कॉन्टेक्ट वन, कॉन्टेक्ट टू, ईमेल और एड्रेस, इसके हिसाब से यहाँ पे वेरिएबल का नाम सब आ गया, काम हो गया। क्वेरी अभी से बना है, चला नहीं है। अब क्वेरी नाम का वेरिएबल MySQL आई क्वेरी। अब इसमें पहला चीज जो आपको डालना है वो है कनेक्शन, बहुत मजेदार कनेक्शन। उसके बाद आपको क्या डालना है, एसक्यूएल का फाइल। तो जो क्वेरी आप पहले यहाँ डायरेक्ट लिख देते थे अभी वेरिएबल में स्टोर करके लिख रहे हो, यही अलग है, और क्या अलग है। इसके अलावा इफ अगर क्वेरी चल जाती है तो फिर एक इको हो, बहुत बढ़िया से इको बनाते हैं। ठीक है, आज अलर्ट अलर्ट इंसर्ट इंसर्ट का इस्तेमाल तो नहीं, हमको तो पेज खाली उसको उधर रिडायरेक्ट करा देना है, इंटेक्स के पेज में चला जाए। ठीक है, या फिर अपना मैसेज देना चाहते हो तो अच्छा से कर सकते हो। देखो डिविजन क्लास मैं दिखा रहा हूँ, बहुत अच्छा दिखेगा ये, ग्रीन ग्रीन 600 टेक्स्ट वाइट कलर का, और PX3 PY2 PY2 ये टेक्स्ट नहीं BG बैकग्राउंड पर, और लिखेंगे रिकॉर्ड या वी कार्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, इस तरीके का मैसेज और डिप क्लोज। ठीक है, तो ये सेमी कॉलम नहीं भूलिएगा, ये स्ट्रिंग एक लाइन में कर देते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा आसान होगा समझ। ये देखो अब ये बहुत अच्छा दिख रहा है। अगर नहीं है, अगर मान लो किसी वजह से किसी कारणवश ये चीज आपका इंसर्ट नहीं हो पाया, तो सेम इको करेंगे, बट इस बार कलर रेड कर देंगे ताकि वो डेंजर जैसा दिखे आपको, और यहाँ लिखेंगे फेल टू इंसर्ट। ठीक है, इस तरह का मैसेज जनरेट कर लिया। अब हम इंसर्ट को ट्राई करते हैं। फुल नेम, कॉन्टेक्ट नंबर प्राइमरी, सेकेंडरी, ईमेल आईडी, एड्रेस। ओ माय बैड, फॉर्म का मेथड डिस्कस नहीं किया, बहुत बड़ी गलती। एक्शन इसलिए नहीं डिस्कस करना क्योंकि हम सेम पेज पे, तो आप जब सेम पेज पे हो तो आप एक्शन नहीं डाल सकते। हमको कैसे चला कि मेथड छूटा, देखो ऊपर में URL में सब डेटा आ गया, इसलिए पता चल गया हमको कि ये मेथड हम छोड़ दिए, क्योंकि बाजी फोल अब वापस हमको सब कुछ लिखना पड़ेगा। देखो मैंने सब कुछ टाइप कर दिया और ये पूर्णिया दिया, क्या आया मैसेज, थोड़ा मैसेज अलग आना चाहिए था, मतलब थोड़ा स्पेस होना चाहिए था, बट नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, हम यहाँ पे फॉर्म में यहाँ पे लिख देंगे मार्जिन बॉटम, थोड़ा गैप बनाना चाहिए, तो जब जो दोबारा इंसर्ट होगा तब ठीक हो जाएगा। अभी तीन डेटा इंसर्ट हो गया गलती से, बट हमको जब मैसेज उसे दिख जाए तो आप पेज को रिफ्रेश करा सकते हैं। ठीक है, हालांकि हम होम पेज में दिखाते हैं। ये देखो, अगर कोई भी कारण से यहाँ इंसर्ट नहीं होता, जैसे सपोज डैट कि यहाँ पे सिंगल कोट छूट जाता, ये वाला सिंगल कोट छूट जाता, एरर आता, और ये एरर तुरंत हमको ये वाला मैसेज देता, रेड वाला। ठीक है, मतलब मैं इंसर्ट ट्रैक इंसर्ट करने की कोशिश करता, ये तो क्वेरी में एरर है ना, कोई और एरर क्वेरी का एरर मैसेज दे देता। देखो ठीक है, तो ये अलर्ट का पॉइंट है जो मैंने बनाया था। ठीक है, यहीं पे लाल रंग आएगा जब हम लोग को क्वेरी नहीं चलेगा, तो बेसिकली मामला यहाँ पे सब सॉर्ट आउट है। ठीक है,
इंसर्ट का काम हो चुका है। आपको डेटाबेस दिखा देते हैं, आप देख सकते हैं डेटाबेस में सब आ रहा है, ठीक है। मैंने जितनी बार किया ब्लैंक ब्लैंक भी आ रहा है। इसके बाद कॉलिंग करते हैं, चलिए कॉलिंग की तरफ, मतलब इंडेक्स के पेज पे आते हैं। इंडेक्स के पेज पे हम यहाँ पे बनाते हैं ग्रिड, कभी कभी काम आ जाता है क्या, ग्रिड डैश कॉल्ड कॉल्स दैट फोर, यानी एक लाइन में हम कितने चाहते हैं, चार, ठीक है। इसके अंदर में हम डिव बनाते हैं, पहला ये है डिव जिसको हमको डिजाइन करना है, एकदम बॉर्डर बॉर्डर डैश पिंक डैश 100, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं। इसके अंदर हम इसको 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 लूप में चलाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम इसको लूप में चलाएंगे, यानी पीएचपी यहाँ शुरू करेंगे, पीएचपी में यहाँ शुरू करेंगे और लिखेंगे यहाँ पर वेरिएबल का नाम कॉलिंग क्वेरी, कुछ भी नाम लिख सकते हो, ये मेरा मन पे है, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्वेरी लिख रहा हूँ, आज मैं क्वेरी सबको वेरिएबल में अलग अलग डालूंगा। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कार्ड्स, यानी कार्ड में जितना कुछ है सबको बुला लो, इसमें कोई कंडीशन नहीं, बस इसके बाद क्वेरी चलाते हैं। एक वेरिएबल का नाम क्वेरी, MySQL I क्वेरी, और इसमें कनेक्शन पहले डाल देना डॉलर कनेक्ट, और उसके बाद कॉलिंग क्वेरी जो क्वेरी आपका, उसके बाद वाइल लूप चलाना है। और वाइल लूप में आप सपोज टू भी कोई वेरिएबल सपोज है, जैसे रो सपोज किया गया है वैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे चाहो तो अपना एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाते हैं, देखो कर्ली ब्रैकेट शुरू किया, बट यहाँ कर्ली ब्रैकेट बंद नहीं करेंगे, पीएचपी को बंद कर देंगे। इससे क्या हुआ कि पीएचपी सेपरेट हो गया, और जहाँ लूप को खत्म करना है वहाँ फिर पीएचपी शुरू करेंगे और सिर्फ कर्ली ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो अब ये लूप के बीच का पार्ट हो गया जिसमें पूरा प्रॉपर एचटीएमएल कर सकते हैं, बिना इको लगाए प्रॉपर एचटीएमएल कर सकते हैं। ये तरीका पीछे वाले तरीके से थोड़ा चेंज कर दिए, अगर समझ में नहीं आएगा तो मुझे पूछ लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से समझ में आएगा। इसके बाद हम ये बॉर्डर वाला मामला जो है, जो मैंने कॉपी किया रखा था, उसको पेस्ट कर देता हूँ। तो जितनी बार मैं मेरा डेटा होगा उतनी बार यहाँ पे ये लूप चलेगा, ठीक है। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कार्ड्स, आई थॉट कि सब कुछ ठीक है। चलिए यहाँ पे एक चीज तो प्रिंट करके दिख ही सकते हैं, वो है नाम, नाम सब कुछ ठीक रहा तो नाम, यहाँ पे जहाँ पे भी प्रिंट करना हुआ पीएचपी इको वाला साइन और डॉलर रो बड़ी ब्रैकेट और क्या नाम है तो फुल नेम, ठीक है, फुल नेम। तो अब रिफ्रेश करते हैं, देखो नाम सब आ रहा है, अरे तीन जगह पे तीन कार्ड्स है। ये जो पूरा का पूरा एरिया है यानी ग्रिड एरिया है, इसको किसी डब्बे के अंदर डाल दो ताकि इसको थोड़ा पेडिंग वेडिंग दे सके, जैसे पेडिंग 10 डाल देते हैं, एक डब्बा है उसके अंदर डाल दो, तो इससे क्या हुआ कि जो चिपक चिपक के नहीं आएगा, थोड़ी देर में ये अपने आप को रिबिल्ड कर लेगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इसके अंदर में कुछ चीजें करनी है, जैसे देखो जैसे गैप, बहुत इंपॉर्टेंट गैप, गैप 5, इसका मतलब है मुझे हर एक बॉक्स के अंदर आपस में गैप चाहिए 5-5 का। इसका एक बैकग्राउंड कलर होगा, क्या होगा, बीजी डैश पिंक मान लो 50, पिंक 50, तो बहुत ज्यादा नहीं पिंक, बहुत लाइट कलर पिंक दिखेगा। इसके अलावा और क्या करना है वो देखते हैं, इसके अंदर में थोड़ा सा पेडिंग होगा सभी साइड से 3, देखो अलग अलग हो गया सब, और पेडिंग भी आ जाएगा जो पेडिंग मैंने डाला है अंदर से वो भी दिखेगा। इसका डिजाइन करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ मैं कैसा डिजाइन करने वाला हूँ या कैसा कर रहा हूँ, तो विजिटिंग कार्ड दिखाता हूँ होता क्या सर, ये विजिटिंग कार्ड यही बनाने वाले हम HTML CSS की मदद से, थोड़ा आपको आइडिया हो जाए कि हम क्या करने वाले हैं। सिंपल सा विजिटिंग कार्ड बना रहे हैं, बैकग्राउंड कलर को नहीं ध्यान देंगे, देखो सिंपल सा, इसमें ऊपर में नाम दिखेगा ये दिखेगा, इस टाइप का एक कार्ड बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। तो हम लोग सिंपल सिंपल चीजें कर रहे हैं, जैसे हमको कैपिटल में लिखना तो टेक्स्ट डैश नहीं सिर्फ कैपिटलाइज नहीं अपर केस, अपर केस, तो ये जो लिख रहे हैं हम कैपिटल में एक्सेल और फॉन्ट डैश मीडियम, ये सारी चीजें मैंने लिख दी। आउटपुट में देखिए ये सब जो लिखा हुआ है ये कैपिटल कैपिटल में हो जाए और कार्ड में बड़ा बढ़िया सा दिखे, ये देखो कैपिटल में दिख रहा है। और इसके अलावा जो टेक्स्ट आ रहा है, जो कलर आ रहा है, वो हम कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे ऑरेंज डालने का मन कर रहा है तो ऑरेंज डाल दीजिए, ग्रेडियंट डालने का मन कर रहा है ग्रेडियंट डाल दीजिए, कोई इशू नहीं। इसके जस्ट नीचे कैसे चीजें डिजाइन करनी है वो सोचते हैं, डिविजन क्लास
फ्लिक्स फ्लिक्स डैश कॉल यानी आपस में एक दूसरे के नीचे, और इसके बाद ये इंड, ठीक है। हर एक के अंदर में एक डिव होगा, बेसिकली इसमें क्लास लगा होगा फ्लिक्स, और थोड़ा स्पेस के लिए स्पेस डैश एक्स डैश टू, और इसमें एक आइकन मेंशन करके उसका कॉन्टेक्ट नंबर दिखा दूंगा। तो आइकन कहाँ से लाएंगे, देखो एस वी जी आइकन ऐसे सर्च कर लो, ठीक है, या मुझे वेबसाइट का नाम पता है हीरो आइकन, वहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा आइकन अवेलेबल है। तो अब यहाँ पे जाइए और यहाँ लिखिए कॉन्टैक्ट या फिर फ़ोन, तो ये ऐसे टाइप का आइकन आ जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा दिखाने। सॉलिड वाला ले लीजिए, सॉलिड वाला कॉपी कीजिए एस वी जी को, और सिंपली यहाँ पे लाके पेस्ट कर देना आपको। ये थोड़ा अजीब हो जाएगा कोड दिखने में, बट आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ये है थोड़ा अजीब बट काम हो जाएगा। इसके जस्ट बाद स्पैन लगाइए, और स्पैन लगाने के बाद आप क्या कीजिए, इसको फॉर्मेटाइज कर देते हैं, थोड़ा सा फॉर्मेट करने से ठीक ठाक जगह पे आ जाएगा। और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिखाना, राइट, तो आप यहाँ पे ऐसे दिखाइए कॉन्टैक्ट वन, सॉरी रो वेरिएबल का नाम, बड़ी ब्रैकेट कॉन्टैक्ट वन, ये इस तरह से बन जाएगा। एग्जैक्टली आपको इसी तरह से डॉट लगा देना है, यानी कॉन्कैटिनेशन, कॉमा लगा देना है, फिर कॉन्कैटिनेशन, और दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर भी बगल में दिखा देना, तो कॉन्टैक्ट टू। तो जो दोनों कॉन्टैक्ट नंबर है वो यूजर का यहाँ पे नजर आएगा, दिखाता हूँ, आ रहा है, ऑरेंज कलर का हो गया, ये भी आ गया, आइकन भी आ गया, राइट। इसका आपका साइज छोटा करना है तो ये आपके पास है ऑप्शन कि आप इसका साइज छोटा कर सकते हैं, यहाँ पर एच डैश थ्री डब्ल्यू डैश थ्री, ठीक है। तो साइज ऑफ आइकन जो है वो स्मॉल हो जाएगा, और आप इसको मार्जिन टॉप थोड़ा सा दे दीजिए, मार्जिन टॉप फाइव, और गैप वगैरह डिस्कस करेंगे, जैसे गैप डैश वाई डैश थ्री इस तरीके का, तो एक दूसरे के नीचे आने लगेगा थोड़ा दूर दूर। ये घबराने की बात नहीं है, रीबिल्ड हो गया बीच में, ठीक है, तो ये साइज में बड़ा हो गया, अब देखो वहाँ छोटा हो गया, ठीक है। अब इसको यहाँ पे लाना है, और यहाँ पे हम इसको लिखेंगे फ्लिक्स के बाद आइटम सेंटर, ताकि वो आइकन ऊपर है चढ़ा हुआ, थोड़ा नीचे आ जाए, देखो ठीक आ गया। तो कॉन्टेक्ट नंबर स्पेस थोड़ा सा चाहिए, यहाँ पे स्पेस दे देंगे तो कॉमा के बाद स्पेस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जैसे ही मैंने ये वाला आइकन बनाया, एग्जैक्टली ऐसे ही कंट्रोल डी कर देना है ईमेल के लिए, कंट्रोल डी कर देना है एड्रेस के लिए, ठीक है, बस एसवीजी चेंज कर देना है। तो जो एसवीजी फाइंडर वेबसाइट है यहाँ पे, इसमें ईमेल को टारगेट करते हैं, तो एट द रेट भी लगा सकते हो चाहो तो, या मेल लिखोगे तो बहुत सारा आ जाएगा ऐसा ऑप्शन, मेल बॉक्स वगैरह आ जाएगा, इसको कॉपी कर लो, और बस इस एसवीजी के साथ रिप्लेस कर दो ईमेल के लिए खास। और इसका ध्यान रखना है कि इसका हाइट आपको कस्टमाइज, थ्री किया था आपने, इसको भी थ्री कर दो, ठीक है, और फिर फॉर्मेटाइज कर दो ताकि वो अपनी जगह पे फिट हो जाए। ये स्पेस एक्स्ट्रा हटा दो और यहाँ पे ईमेल लिख दो, सॉरी सॉरी यहाँ पे ईमेल लिख दो, तो ये ईमेल जो डेटाबेस से आ रहा है वो इसका दो नहीं है, इसलिए ये एक हटा दो, सेमी कॉलम रहेगा। इसी तरीके से लोकेशन के लिए यानी कि एड्रेस के लिए, तो मैप लगा सकते हो या लोकेटर ऐसे मार्क कुछ और, हाँ ये देखो मैप पिन है ना, ये अच्छा लगेगा दिखने में, ये यूज़ कर लो, ये एसवीजी के साथ रिप्लेस कर दो। और फिर से ध्यान रखो ये बाय डिफॉल्ट 6 रहता है, इसको कम कर देना और यहाँ पे लिख देना एड्रेस, और ये चीज़ नहीं रखना है, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा स्पेस लाइन उसको हटा दो और फॉर्मेट कर दो अपने डॉक्यूमेंट को ताकि साफ सुथरा हो जाए, बहुत बढ़िया। अब विजिटिंग कार्ड दिखने में कैसा लग रहा है, ये गैप्स ज़्यादा है ना, तो कम कर देते हैं इसके गैप्स, यहाँ पे इसके पैरेंट पे डिस्कशन है गैप का, देखो गैप वन, ठीक है, ताकि ये जो स्पेस ज़्यादा आ रहा है वो कम हो जाए। हालांकि गैप अगर जीरो भी रहेगा तो मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी की बात है, बाय डिफॉल्ट वन रहता है, मगर उसको हटाना पड़ेगा जीरो लिख कर, नहीं इतना गैप तो देगा ही। अब जो टेक्स्ट कलर है वो सब चीज़ें आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, और अपने कार्ड को और बड़ा और बेहतर बना सकते हैं। मुझे कार्ड का जो पैडिंग है, मैंने तो सबसे पहले यहाँ पे 4 लिखा था, इसको मैं अब फॉल्स 3 लिख दूंगा ताकि ये 3 ही एक लाइन में अटे, बड़ा आ जाएगा थोड़ा सा, ये रिफ्रेश करने पे ऐसा होता है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक हो जाएगा। मैंने कॉल्स 3 लिख दिया है, और गैप्स भी मैंने ज़्यादा दिए हैं तो थोड़ा कम कर दिया, अरे गैप्स आ गए, बस रीबिल्ड का वेट कीजिए और आपकी जगह पे सब आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। अगर रीबिल्ड नहीं हो रहा है ना, तो आप टर्मिनेट कीजिए और वापस वो कमांड जो वॉच वाला कमांड है वो चला दीजिए, तब तो रीबिल्ड होना है बस। अरे यार
कैच में फंस जाता है, क्या करोगे, कुछ माइनर से चेंजेस करके सॉल्व कर लो। देखो हो गया, तो ये कार्ड्स बन के तैयार हो गए और इसको हम लोग अच्छे से प्रॉम्प्ट कर सकते हैं। इसके अंदर की जो पैडिंग है वो बढ़ानी थी, इसलिए हम इसका साइज बढ़ाए थे 5। तो हम अंदर से और ज़्यादा गैप चाहते हैं, छका हुआ लग रहा थोड़ा, और यहाँ पे कुछ फोटो वगैरह लगा देंगे तो एक कार्ड जैसा बन जाएगा। बाकी इस कार्ड के ऊपर हम ये चाहते हैं कि हम जब इसको टच करें, यानी जब हम इसको होवर करें, उसमें शेडो आ जाए। तो जब हम इस पर कर्सर रखेंगे तो ये शेडो मार्क करेगा, ठीक है, अभी नहीं, रिबिल्ड हो जाएगा तो करेगा, देखा कर रहा है। अच्छा, ट्रांसिशन को थोड़ा स्लो कर देते हैं, ट्रांसिशन इस तरह से, ताकि जो स्पीड है इसका वो थोड़ा स्लो हो जाए, वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये कार्ड्स वही होंगे जो हम इंसर्ट करेंगे। चलो एक नया कार्ड इंसर्ट करते हैं, ठीक है। इस बार आलोक नाम का स्टूडेंट है, मोबाइल नंबर ये है उसका लापता वाला मोबाइल नंबर, और ये है इसका alok@gmail.com। पूर्णिया बिहार ये लिख दिया, ठीक है, इंसर्ट हो गया, होम पेज पे गए, देखिए आलोक, ठीक है। तो व्हाट आई इंसर्ट दैट विल डिस्प्ले इन अ कार्ड नॉट अ टेबल, ठीक है। लास्ट टाइम हम लोग टेबल पे कॉल किए थे, बट दिस टाइम आई जस्ट यूज अ कार्ड फॉर कॉलिंग अ डेटा। इसमें छोटा छोटा बटन बनाएंगे, यहाँ पे एडिट कार्ड डिलीट कार्ड, इसी को क्लिक करके हम लोग एडिट डिलीट कर सकते हैं। बट क्या करें, समय एक पाबंदी रखता है और आप लोग लेट आते हैं, इसकी वजह से हम कम ही पर आ सकते हैं।